रफी रफी जी, क्या मामला था, किस बात को लेकर जाम लगाया गया यहाँ पर? मामला ये था कि भैया हमारे भाई कल से यहाँ से रात से गायब था, और शाम के टाइम पुलिस से किसी तरीके से चली सर, पुलिस ने हमारे पास खबर करी कि आपका जो है क्या नाम है बेटा क्या नाम है एक्सपायर हो गया है जी। फिर बाद में खबर आती है वो जल के आत्महत्या करके मर गया है। फिर जब वहाँ पे जानकारी के लिए जाते हैं तो वो बताते हैं कि उसको दिल्ली रेफर कर दिया है। तो हम ये जानना चाहते थे यहाँ की पुलिस, हमारा जाम लगाने को कोई मकसद बड़ा नहीं था, सिर्फ हम इतना जानना चाहते थे हमारे भाई ठीक है तो उससे हमारी वीडियो कॉलिंग से बात करा दी जाए या उससे हमारी फ़ोन पर बात करी दी जाए। क्या नाम था उस लड़के का? जफर नाम था। कहाँ का मामला है? जफर है और छलेसर का मामला है। छलेसर। अच्छा, यहाँ अधिकारी भी आए थे, एसपी सिटी वगैरह थे, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने आश्वासन यही दिया है कि पुलिस आपकी, फिरोजाबाद पुलिस आपके साथ है, अगर कोई मामला वैसा बनता है तो कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, कब से गायब था लड़का? ये कल रात से गायब है। दोपहर को पुलिस ने बात कराई है वहाँ की, इससे बात हुई है, फिर शाम के टाइम खबर आई है कि वो जलकर मतलब आत्महत्या कर ली है उसने। अच्छा, बताया कुछ अधिकारियों ने कहाँ है, किस स्थिति में लड़का? हाँ, एसपी साहब ने बताया, आश्वासन दिया है कि बच्चा जो है वो दिल्ली सफदरगंज अच्छे ऐसा वो जल गया था, ये लोग बता रहे हैं आत्महत्या कर ली है, वो जल गया है तो उसको अच्छे इलाज के लिए हमने जो है दिल्ली रेफर कर दिया है। किस तरीके का आश्वासन दिया गया अधिकारियों द्वारा आपको? हाँ, एसपी साहब तो ये कह रहे हैं वो बच्चा जो हमें जो सूचना मिली है वहाँ से, वहाँ की पुलिस से, बच्चा 30% जला हुआ है, घबराने की कोई बात नहीं है, बच्चा ठीक है आपका। क्या नाम आपका? जैतून। जैतून जी, क्या मामला हुआ, किस बात को लेकर आपने ये जाम लगाया हुआ रोड पर? हमने हमारे लड़कियों को पुलिस वालों ने मार दिया तेल आग लगा कर। नहीं, कहाँ का मामला है? आगरे का, आगरे घूमने गया था। मामला क्या था, किस बात को लेकर? कुछ मामला था जो है कल रात से गायब था, और सुबह सूचना शाम के टाइम सूचना मिली है कि हमारे